अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फहद फारूकी सीओ यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने लोकल एसईओ और एसईओ के बारे में जाना था कि एसईओ से किसे कहते हैं और लोकल एसईओ बेसिकली किसे कहते हैं। लोकल एसईओ जब हम लोकल बिजनेसेस को ऑर्गेनिकली सर्च इंजन के लिए और यूजर के लिए ऑप्टिमाइज करके उसके रैंक करते हैं, उसे हम लोकल एसईओ कहते हैं और लोकल बिजनेस एसईओ कहते हैं, ठीक है। जो कि एक सिटी या एक स्टेट के लिए या एक ही कंट्री के लिए होता है, ठीक है। तो आज हम लोकल बिजनेसेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जिसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है ओवर सजेस्ट। ये हमारे पास प्रीमियम टूल है, इसके ज़रिए हम आज देखेंगे कि हम किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और जो बिज़नेस आज मैं सेलेक्ट कर लूँ वो रूफर है। रूफर एक बिज़नेस है, किसी भी कंट्री में आप सेलेक्ट कर लो। ये जस्ट फॉर सिंपल पर्पसेस आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसके लिए मैं आ गया उबर सजेस्ट में। ये अगर आप देख ले, ये उबर सजेस्ट है। उबर सजेस्ट में यहाँ पे मैंने कीवर्ड अपनी प्लेस की। यहाँ पे आ जाओगे कीवर्ड आइडियाज़ में, यानी ठीक है, कीवर्ड ओवरव्यू में आ गए। यहाँ पे आके अपनी कीवर्ड पेस्ट कर दी। क्या लोकल एसईओ में बेसिकली आपको जिस तरह मैंने बताया था कि आपके सर्विसेज का नाम प्लस लोकेशन या नियर मी आएगा। तो यहाँ पे मैंने लंदन से, यानी लंदन यहाँ पे आ गया और यूनाइटेड किंगडम में ही आता है। तो इनके लिए मैंने ये सिलेक्शन कर दी। यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, आप डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूएसए या लंदन, सब कुछ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। तो इजी टू यूज़ टूल है। यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च भी फाइंड कर सकते हैं, वेबसाइट के ट्रैफिक एनालिसिस, वेबसाइट के बैकलिंक एनालिसिस। आप लोग यहाँ से इजीली किसी भी वेबसाइट के ऑडिट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टूल है, इजी टू यूज़ है। कंटेंट आइडियाज़ भी आपको मिल सकती है यहाँ पे। तो ये टूल जो है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूफर लंदन पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी कीवर्ड्स आपको मिलेंगे उनके साथ या तो नियर मी आएगा या वो कीवर्ड्स लोकेशन के साथ आएगा। तो ये से हम लोकल सर्चेस कहते हैं। लोकल सर्चेस में वॉल्यूम कम होती है, कीवर्ड भी कम होते हैं हमारे पास, इसलिए कि वहाँ पे इतनी यानी सर्चेस होती नहीं है। स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो कि लोग सर्च करते रहते हैं। अगर आप यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये देख लें, लंदन रूफर्स, लंदन रूफर, रूफर इन लंदन, लंदन रूफिंग, रूफिंग वेस्ट लंदन, रूफिंग रिपेयर लंदन। ये अगर हम देख लें, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि लोकली लोग सर्च करते हैं। आप ये कीवर्ड किसी भी कीवर्ड को आप उठाओगे तो आपको उसी के हिसाब से, वही कंट्री वही स्टेट के हिसाब से आपको रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी कीवर्ड को यहाँ से उठा लूँ कि ये वाले कीवर्ड में सर्च करता हूँ कि इस पे कौन कौन से रिजल्ट आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाले मैं उठा लेता हूँ कि रूफर एजेंसी लंदन, ये मैंने आप उठाया, यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया तो आप देख ले। अब यहाँ पे देख ले, ये कहाँ के लंदन के हमें बता रहे हैं कि ये टॉप 3 पिक जो है ये GMB है, गूगल माई बिजनेस। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एड्स है, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक वेबसाइट के रिजल्ट है जो कि ऑर्गेनिकली रैंक हुए, जिसके लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, फिर कंटेंट प्लानिंग करेंगे, कंपिटेटिव एनालिसिस करेंगे, कंटेंट राइटिंग करेंगे और वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह ये सारा कुछ करेंगे। तो उसके लिए अभी जो बेसिक स्टेप्स है वो ये है कि हम कीवर्ड रिसर्च पे फोकस कर लें, हम इजी टू रैंकिंग कीवर्ड फाइंड कर लें जो कि कंपटीशन उसकी कम हो और वॉल्यूम उसकी अच्छी हो, सर्चेज अच्छे हो और इजीली रैंक हो। तो ये हमारे पास वो कीवर्ड्स हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये कीवर्ड्स हमें मालूम होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे कीवर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट आ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो ये कीवर्ड आप लोगों के पास सारे आ गए और इस कीवर्ड को हमने डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसके डिफरेंट फिल्टर लगा सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्पस के लिए जिसके लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो ये कीवर्ड रिसर्च है जो कि हम बेसिकली लोकल एसईओ के लिए ओबर सजेस्ट को यूज़ करके हम करते हैं। तो ये कीवर्ड्स यहाँ पे देख ले, यहाँ से हम जो कीवर्ड्स हमें चाहिए वो यूज़ कर लेंगे और जो नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये कीवर्ड्स हैं, इसको हम अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस बनाएंगे और साथ साथ में हम ये कीवर्ड जो है सब हेडिंग और हेडिंग यूज़ करेंगे, साथ साथ में मेटा डिस्क्रिप्शन ATC। और ये भी इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा, जब हम कंटेंट पे आएंगे, वेबसाइट के ऑडिट पे आएंगे, वेबसाइट के कंपटीटर एनालिसिस पे आएंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कंपटीटर किस तरह यूज़ कर रहे हैं और हम किस तरह इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम सेमरश को यूज़ करेंगे, मोज को भी देखेंगे कि उसके ज़रिए हम किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और ग्रुपिंग के बारे में भी देखेंगे। तो
और साथ साथ में आगे डिफरेंट टूल्स है और मैनुअल कीवर्ड रिसर्च है कि यार टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, और फिर इसके जो डिफरेंट प्रोफिटेबिलिटी ऑफ कीवर्ड्स है कि हम किस तरह प्रोफिटेबिलिटी चेक कर दें कि ये कीवर्ड वाकई में प्रोफिटेबल है, लो कंपेटिटिव है, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।